है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे बताना जैसे है ना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है, बढ़िया आराम से एग्जाम दो, कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है, ओके ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। क्या हुआ सर, किससे बात कर रहे थे, मुस्कुरा क्यों रहे हो? बस यार मुस्कुराहट आ गई, बात कर रहे थे तो फोन पे। और क्लास के दौरान आपको पता है कभी मैं फोन पर नहीं रहता हूँ, क्लास के दौरान यूट्यूब में तो कभी नहीं आया, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे ज़रूरी कॉल आ जाते हैं जिसको आप रिसीव करना ज़रूरी हो जाता है। तो खुशी हो रही है दोस्तों, आज अपना एक स्टूडेंट है, उसका जो है रेलवे ग्रुप डी का PET यानी फिजिकल टेस्ट था आज, कहाँ पर, चेन्नई में, उसका वो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। एक तो इस बात की खुशी, ठीक है, उसने बताया भी कॉल करके, और दूसरी सबसे अच्छी खुशी मुझे ये हो रही है, कभी कभी दोस्तों होता है ना कि आप जब किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हो और वो सच में अगर ज़रूरतमंद है और उसकी आप मदद करो जिसकी वजह से उसका कोई भला हो जाए तो और भी अच्छा लगता है। तो हुआ क्या, ये जो स्टूडेंट है ये जयपुर का रहने वाला, राजस्थान का, और इसका आज चेन्नई में रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल है, इसका हो चुका है और क्लियर भी हो गया, रिजल्ट आ जाता है तुरंत तो उसका क्लियर भी हो गया। समस्या यहाँ नहीं है, समस्या फंसी दूसरी कि आज यानी कि 21 जनवरी को इसका फिजिकल है और ये समय चेन्नई में बैठा हुआ है ना, और 23 जनवरी को यानी कि परसों इसका जयपुर में वापस यानी राजस्थान में SSC GD का पेपर लगा हुआ है। बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, तैयारी भी इसने बहुत ज़्यादा करी, सब कुछ किया, तो खुशी मुझे इस बात की हुई कि उसके चेहरे पर उसकी आवाज़ से मुझे बड़ी खुशी दिख रही थी। खुशी पता क्या थी, कुछ दिनों पहले उसने मुझे बात करी, वो सारी चीज़ें थी, तो उसने बोला सर ये बताइए मेरा चेन्नई में 21 जनवरी को पेपर है, मतलब फिजिकल है, और 23 जनवरी को राजस्थान में जयपुर में मेरा वो पेपर है SSC GD का। तो बोले सर एक ट्रेन है शाम को 6 बजे, अगर मैं चलता हूँ वहाँ से तो भी वो ट्रेन मुझको 23 जनवरी तक पहुँचा नहीं पाएगी जयपुर, और मेरा जो पेपर है वो पहली शिफ्ट में है, 7:45 सुबह का रिपोर्टिंग टाइम है। तो बोले क्या सर वो ट्रेन पहुँचा, मतलब पहुँच सकते हैं, कोई उपाय है, कुछ कर सकते हैं? बड़ा दुविधा में था कि क्या करें सर, पेपर छोड़ना पड़ेगा, और उसकी तैयारी मुझे पता है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो कर लेगा मुझे पता, उसके ऊपर विश्वास है। तो खुशी मुझे इस बात की थी दोस्तों कि ठीक है, कुछ किसी प्रकार से मैंने उसकी व्यवस्था बनवा दी डायरेक्ट एकदम चेन्नई से जयपुर तक की, ठीक है, और से मैं चेन्नई के एयरपोर्ट पे बैठा हुआ और वो अपना जो है आराम से 3-4 घंटे में जो है जयपुर पहुंच जाएगा 23 जनवरी को बढ़िया पेपर दे। खुशी इस बात की हुई कि उसकी आवाज़ सुन के, जब पहले वो इतना दुविधा में था, दुखी था, और आज वो खुश है। खुश क्यों है, एक तो उसका रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल निकल गया, और दूसरा जो SSC GD का उसका पेपर की टेंशन थी कि हमारा पेपर छूट जाएगा, वो उसका पेपर भी हो जाएगा। तो बड़ी खुशी हुई मुझे यार कसम से, क्योंकि यार आप लोग कितनी मेहनत करते हो, कितना सब कुछ करते हो, और जब पेपर छूट जाता है इस वजह से, कभी कभी ना क्लैश कर जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम, उस वजह से बड़ी ही वो लग जाती है। और वो, और मुझे सबसे बड़ी खुशी इसलिए भी हुई दोस्तों कि वो जो लड़का है ना, उसके मैं क्या ही बताऊँ यार, उसके मतलब बहुत ही कंडीशन उसकी इस तरीके से है घर की, हम समझ सकते हैं, तो उसकी कंडीशन इस प्रकार से है कि वो छत पे बैठ के शाम को पढ़ता है, लाइट की व्यवस्था नहीं है घर की, मेरी क्लास, और इंटरनेट प्रॉपर अंदर नहीं आता घर में, तो छत पे बैठता है और पढ़ता है, इतना जुझारू लड़का है। अब बताओ ऐसे स्टूडेंट की दोस्तों ना ही मदद करें तो क्या करें, मतलब मज़ा आ गया उसकी आवाज़ सुन के, वो खुश हो गया कि फिजिकल भी निकल गया और GD का पेपर भी लगभग दे ही ले, बस वो पहुंच जाए बस अपने हिसाब से जल्दी तो अच्छा लगा, ठीक है। उसी से मैं इसीलिए लेट हो गया, उसी से बात कर रहा था, उसका कॉल आया। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास को जल्दी से, आइए।